मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज़ 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज जिस खबर से जोड़ने जा रहा हूं वो एक ऐसी खबर है जो नगर में पहली बार पहल हुई है। वो पहल देखते हैं हम, शादी आमतौर से एक या दो दिन चलती है, लेकिन आज शादी को लगभग 3 से 4 दिन पूर्व हो चुके हैं, लेकिन वो शादी अभी भी बरकरार है। उसके साथ जो उत्साह है और लोगों को हौसलावर्धन कर रहे हैं, वो मेरे साथ राजकुमार जी बराबर में बैठे हैं। राजकुमार, जिनको राजकुमार कवाड़ी के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, नाम फेमस है, बैठे हुए हमसे पूछेंगे जो एक प्रतीक की शादी करी, एक मिसाल बनाई है उन्होंने, और क्या कहेंगे शादी पर, क्योंकि एक अनूठा एक इतिहास रच दिया है। इससे पहले अभी कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन आपने जो एक इतिहास रचा है, हम सोचते हैं कि शायद एक बेटा और है, कामना करते हैं इतिहास आप ही तोड़ें। पूछेंगे राजकुमार जी, कैसा लग रहा और क्या सोचा था कि शादी ऐसी कर पाएंगे? बहुत खुशी से शादी की है मैंने, बहुत दिन से मेरी तमन्ना थी शादी को चला हट के करूँ। इसी के साथ ही मैंने एक वृद्ध आश्रम में प्रोग्राम दिया, वृद्ध लोगों के बीच जाके इनको आशीर्वाद दिवाया वर वधु को मैंने। और मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी खुशी का मौका घर में हो, वृद्ध लोगों के बीच में जाकर जरूर उसको सेलिब्रेट करें। जरूरी नहीं है कि इतना मोटा खर्चा करें, चाहे आप बिस्कुट का पैकेट लेकर पहुँचें, लेकिन उन लोगों के बीच पहुँचें ज़रूर। कम से कम उन लोगों को आवाज़ दें कि हमारे भी कोई हैं, जो लोग उनको बेसहारा छोड़ देते हैं, कम से कम उन लोगों के बीच हम पहुँचे तो उनको बड़ी खुशी होती है। उन्होंने जितना हमें आशीर्वाद दिया, हमें अपने प्रोग्राम ज़्यादा खुशी वहाँ जाकर हुई। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ, समाज के लोगों से, चाहे बिस्कुट के पैकेट के साथ पहुँचे हमें ज़रूर। मैं बताता चलूँ, राजकुमार जी ने शादी की दूसरे ही दिन अपने बेटे प्रतीक व उसकी बहू को लेकर वृद्ध आश्रम पहुँचे। वहाँ जो ऐसा आया जो वृद्ध बुजुर्ग हैं, उनको यह महसूस नहीं होने दिया कि उनके बेटा नहीं है, पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, दोनों को एहसास कराया। वहीं जो शादी की जो रस्में होती हैं वो वृद्ध आश्रम में जाकर पूरी करी, उनको एहसास कराया कि उनके भी लोग हैं, जो वो खो के आ चुके हैं उनके लोग उनको यहाँ मिल चुके हैं। अच्छा, कैसा महसूस लग रहा था आपको उस समय जब आप उनकी हम देख रहे थे वीडियो में कि कुछ अपनी जो बुजुर्ग थी वहाँ, वो आंसू भी पहुँच रही थी क्योंकि वो आशीर्वाद बहुत लोग आशीष दे रहे थे हमें, और उन्होंने कहा कि आज तक हमारे बीच में स्त्री तक कोई नहीं आया जो पहली बार आ पाए। उन लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे हमारे पोते और बेटे की शादी हो रही हो। बहुत उन लोगों ने हमें आशीष दी और हम बहुत उन्होंने हमें आशीष दिया, उन्होंने बहुत हमारा मन खुश हुआ। बता रहे हैं राजू जी के वाकई जो शुरुआत तो हमने नहीं की, एक हमारी सोच थी कि हम वैसे तो वृद्धाश्रम जाते ही रहते हैं, लेकिन आज जो इतनी बड़ी खुशी हमारे साथ हमारे घर आई है, हम उसको वहाँ जाकर सेलिब्रेट करेंगे, उन लोगों के बीच जाकर सेलिब्रेट करेंगे जिनका कोई नहीं है, जिनको अपनों ने छोड़ दिया, उनको अपनाया है उन्होंने। तो मेरे साथ USA आए हैं राजू भाई के भाई हैं मनोज कुमार जी, मैं उनसे भी पूछूंगा क्योंकि लगभग 1 महीने पहले शादी में आ चुके हैं आप, और काफ़ी लोगों से मैं देख रहा था आपसे मिल रहे थे, तो वहाँ की रहन सहन और यहाँ के रहन सहन में क्या अंतर है? अंतर तो काफ़ी है लेकिन हम लोग का वहाँ के अच्छा ग्रुप है इंडियंस लोगों का, तो आपस में काफ़ी अच्छा मिलते जुलते हैं और काफ़ी मतलब, लेकिन यहाँ का अलग ही है थोड़ा सा, यहाँ पे सब लोगों के आपस में ज़्यादा प्यार है, मोहब्बत है, वो सब कुछ है। अच्छा, जैसे हम शादी से पहले की बात चल रही थी, लोग हमसे कह रहे थे कि राजू भाई के भाई अमेरिका रहते हैं, क्या वो भी शादी में आएंगे? तो हमने कहा था कि शादी में तो जरूर आएंगे क्योंकि भाई नहीं है वो तो, लेकिन आप 1 महीने पहले आ गए तो उन लोगों के साथ मिलजुल रहे थे, ये देख रहे थे हम शादी में भी आप और पास जा रहे थे, लोग आपके पास आ रहे थे, वो कैसा अनुभव था, वो कैसा प्यार था? प्यार क्या है, तो अपना एकदम घर का ही मामला है जी, वो तो बता रहे हैं जो नगर है हमारा, पूरा परिवार है, पूरा घर है, पूरा हाँ। और उसको हम सेलिब्रेट कर रहे थे लोगों के साथ मिलजुल कर। और अब जो जैसे शादी हुई है, आप क्या कहना चाहते हैं शादी में, जैसे राजकुमार जी ने एक नई पहल शुरू की है वृद्धाश्रम जाकर उनके साथ शादी को सेलिब्रेट करा था, इस बारे में क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और मुझे पर्सनली लगता है कि जो गरीब लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, उनको आप यदि थोड़ा कुछ भी देंगे तो उनको ज़्यादा खुशी होगी। जो बड़े लोगों को दोगे तो उनको कितना भी दे दो कुछ नहीं है, लेकिन छोटे लोगों को देना जो बेचारे गरीब हैं, वृद्ध हैं, उनको बहुत ही खुशी होती है, तो मुझे पर्सनली खुशी होती है। अच्छा, जैसे कहते हैं कि पुण्य की नींव जो होती है वो हरी होती है, ये भी ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल, पुण्य की नींव हरी होती है। हाँ, बता रहे हैं मनोज कुमार जी जो विचार साझा कर रहे हैं कि इस तरीके की शादी की जो सेलिब्रेशन होती है, वाकई हमें उन लोगों के पास ज़रूर जाना चाहिए। अच्छा, ये शादी का कार्यक्रम निरंतर अभी तक जारी है, हम देख रहे हैं कि शादी का कार्यक्रम नॉर्मली होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, रिश्तेदार अहबाब जो चले जाते हैं, लेकिन आपके हम परिवार में आए हुए हैं, सभी लोग अभी ऐसे ही जमा हुए हुए हैं शादी की सेलिब्रेट कर रहे हैं। दोनों तरफ सही है, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा श्रेय उसका राजू को ही है, क्योंकि इतना मिलनसार है
कि लोग अपने आप बिना बुलाते ही घर पे आ जाते हैं, तो ये सब मिलनसार की बात ही है, सब प्रेम भाव की बात। समापन हुआ है हमारे प्रोग्राम का देवी जी की पिन्नी की, आज हमने धार्मिक आयोजन होता है देवी जी की पिन्नी के साथ, आज हमने आयोजन को समाप्त किया। अच्छा राजू जी, एक बात और हम पूछेंगे कि आपने आज मीडिया को सम्मानित करा है, ये पहली पहल है हम देख रहे हैं, ये सोच ये कैसे जज्बा आया कि मीडिया को सम्मानित करना चाहिए? आप लोगों को पूछता नहीं है, एक मतलब केवल माध्यम समझता है आदमी, एक चार लाइन लेके आपके दफ्तर पर दे आता है, इतना तो करता है केवल। लेकिन मेरे मन में आ गया आपको भी थोड़ा घर पर बुलाया जाए, सम्मान दिया जाए आप लोगों का भी, आप मीडिया के स्तंभ हैं। बता रहे हैं कि मीडिया को केवल अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मेरे यहाँ शादी का फंक्शन था, तो मैं चाहता हूँ जब सारे प्रोग्राम अंत की ओर जा रहे हैं तो आपका भी सम्मान करके मीडिया का सम्मानित करूँ, और आपको भी मैं एक हौसला बढ़ाऊँ आपका, ये कहना है राजकुमार जी का विचार बड़े अच्छे हैं, हम चाहते हैं ऐसे ही विचार लोगों के उत्पन्न होने चाहिए। मेरे साथ हैं इस शादी के इस प्रोग्राम के सेलिब्रेट कर रहे दूल्हे राजा हैं प्रतीक जी, हम पूछेंगे उनसे कि ऐसा पहली बार हुआ है कि शादी होने के बाद दुल्हन और दूल्हा और उसका परिवार किसी वृद्धाश्रम गया हो, वहाँ जाके उनके सुख दुख में शामिल हुए हैं, उनसे दुख की बातें करी हों, आप अपने परिवार के साथ वहाँ गए थे, पिताजी आपके जाते रहते हैं, आगे का सफ़र आपको तय करना है, आगे आपको तय करना है, क्या सोच है आपकी वृद्धाश्रम को लेकर? मेरी सोच ये है कि जो मेरे पापा ने वृद्धाश्रम में जाकर बुजुर्गों की सेवा करने की परंपरा चालू की है और लोगों ने भी की है, तो मैं उसको आगे निरंतर चालू रखूँगा और ख़ुद भी वृद्धाश्रम में जाकर उन लोगों की सेवा किया करूँगा। प्रतीक जी का कहना है कि मैं समय समय पर जाता रहूँगा और जो उनकी जो सेवा है जो मुझसे हो सके कि मैं उसको निरंतर जारी रखूँगा, ये कहना